हाय गाइस, जैसे अभी करण ने आपको सारी एक्सरसाइजेस के बारे में गाइडलाइंस बताई कि कैसे आप अपने मसल बिल्डिंग पे काम कर सकते हो, आई एम हियर टू टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन पार्ट। सो मेरा नाम भावना है और आई एम अ चीफ न्यूट्रिशनिस्ट विद क्लासिक फिटनेस एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव कि कैसे आप अपने मसल बिल्डिंग को और इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहली चीज गाइस, जब भी हम मसल बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं, एक चीज जो सबसे जरूरी है वो है कैलोरी सरप्लस। यानी कि जब तक आप अपने एक्सपेंडिचर से ज्यादा इंटेक नहीं करेंगे, मसल गेन होना उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली चीज, आपको अपना जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है पूरे 24 घंटे का वो कैलकुलेट करना है और उसके अकॉर्डिंग उसमें 500 कैलोरीज ऐड करके एक कैलोरी सरप्लस अपने लिए चूज करना है। कैलोरी सरप्लस जो आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना कार्ब्स, प्रोटीन और बाकी का जो न्यूट्रिएंट है उसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मसल बिल्डिंग के लिए है कैलोरी सरप्लस। दूसरी चीज, कार्बोहाइड्रेट। हम हमेशा सिर्फ प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि विच इज ट्रू कि अगर आपका मसल ब्रेक डाउन होगा उसे रिपेयर करने के लिए, रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, यानी कि अमीनो एसिड्स। लेकिन जो चीज हम यहाँ पे भूल जाते हैं वो है रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम है हमारी बॉडी को एनर्जी देना, ग्लूकोज देना, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स जब आपको एनर्जी देते हैं तो प्रोटीन को हेल्प मिलता है कि वो एनर्जी के लिए ब्रेक ना हो बल्कि आपके मसल में रिकवरी एंड रिपेयर को बेटर तरीके से कर पाएंगे। अगर आप कार्ब्स राइट अमाउंट में नहीं खाएंगे और सिर्फ प्रोटीन खाएंगे तो जो प्रोटीन है वो सबसे पहले आपके एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा और फिर जो बचा कुचा प्रोटीन होगा वो आपके मसल तक जाएगा। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कार्ब्स और प्रोटीन का जो बैलेंस है वो होना बहुत जरूरी है। तो जो भी आपका टारगेट कैलोरीज है, जो भी आपका कैलोरी सरप्लस आपने चूज किया है, उसमें कार्ब्स और प्रोटीन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सो ऑन अ रफली बेसिस 50-55% हम कार्ब्स की साइड रखते हैं एंड 20-25% हम प्रोटीन की साइड रखते हैं। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है, अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तो ये जो प्रोटीन का परसेंटेज है ये 30% तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अपने लीन बॉडी मास के अकॉर्डिंग राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चूज करना जरूरी है। तो अपना प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स का जो यूटिलाइजेशन है उसे भी ध्यान में रखिए और कार्ब्स और प्रोटीन का जो बैलेंस है उस पर भी गौर कीजिए ताकि आपको राइट अमाउंट ऑफ मसल बिल्डिंग मिल सके। इसके बाद जो चीज हम बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं वो है आपका स्लीप। स्लीप एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को रिचार्ज करने में हेल्प करता है। तो जो भी आपका रेस्टिंग फेज है वो बहुत जरूरी है ताकि जितने भी आपके हॉर्मोन्स हैं लाइक टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हॉर्मोन, ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के साथ साथ आपके मसल को रिकवर एंड रिपेयर करने में भी हेल्प करती है। तो इवेंचुअली अगर आप ठीक से नहीं सोते, अगर आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा नहीं है तो आपका जो मसल बिल्डिंग है वो भी ठीक से नहीं होगा। तो दिन में कम से कम 6-8 घंटे की नींद लेना उतना ही जरूरी है जितना आपका डाइट या वर्कआउट है। तो इस स्पेसिफिक स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि सोने से 3 घंटे पहले कैफीन ना लें, अपना जो आपका गैजेट टाइमिंग है सोने से पहले उस पर थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपका जो वाइट लाइट का एक्सपोजर है वो ज्यादा नहीं रहेगा और आपकी बॉडी में जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है वो ठीक से हो पाएगा ताकि आपकी नींद अच्छी रहे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको ठीक से नींद नहीं आती है तो आप कैमोमाइल टी या हर्बल टी कंज्यूम कर सकते हैं बिफोर स्लीपिंग। वो आपके नर्व्स को काम करने में हेल्प करता है और आपकी जो स्लीप है वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा आप सोने से पहले 1 ग्लास गर्म दूध पी सकते हैं जिससे आपको राइट अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन मिलेगा और आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी इम्प्रूव होगा। और इसके बाद लास्टली जो चीज हम भूल जाते हैं मसल बिल्डिंग के फेज में वो है स्ट्रेस लेवल। सी गाइस, हैवी लिफ्टिंग करना, वर्कआउट करना अपने आप में एक स्ट्रेस है आपकी बॉडी के लिए जिसकी वजह से आपके मसल में बहुत ही माइक्रो वेयर टेयर्स हो जाते हैं। उसी को हील करने के लिए हमें राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, सही डाइट चाहिए ताकि आपका जो मसल है उसे हील करे और ग्रो करे। तो हम मसल पे स्ट्रेस डेवलप करके ही सही रिजल्ट्स पाते हैं।
लेकिन इस स्ट्रेस के अलावा अगर आपका पर्सनली प्रोफेशनली कुछ भी ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल कर देता है तो इस चीज पे जरूर गौर कीजिए, बिकॉज जितना ज्यादा आपकी बॉडी पे स्ट्रेस होगा जो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन है वो भी बॉडी में बढ़ेगा एंड इवेंचुअली जो आपकी शुगर क्रेविंग है, जो आपके बाकी के हार्मोन्स का फंक्शन है वो उससे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा कॉर्टिसोल होने की वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के जो चांसेस है वो भी ज्यादा रहते हैं, तो आपके मसल को राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी राइट अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होगा। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कैसे आप अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशन को लाइफ में ठीक से डील कर सकते हैं। फिर चाहे इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, वॉक कीजिए या अपने वर्कआउट में ही कुछ ऐसी चीजों को इन्वॉल्व कीजिए जैसे योगा हो गया या जो आपके माइंड एंड बॉडी कनेक्शन वाली एक्सरसाइजेस होती है। ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें हैं जो लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के साथ साथ आपको राइट मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करेंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको मसल बिल्डिंग से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैं या करण आपके क्वेश्चन को डेफिनेटली आंसर करेंगे। थैंक यू।